से मारते हुए देखे हो? उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आपसी विवाद के बाद शराबी पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार है। पूरा मामला रेवसा थाना इलाके का है। यहां देर रात पति पत्नी के बीच आपसी झगड़े के बाद सुबह पति ने खौफनाक वारदात को अंजाम दे डाला। जानकारी के अनुसार क्षेत्र के ग्राम देवरिया निवासी पति राजू पुत्र रामनाथ का विवाह संगीता नामक युवती से 2 दशक पूर्व हुआ था। बताया जाता है कि पति राजू शराब का आदि था और शराब पीकर आपे से बाहर हो जाता था। परिजनों ने बताया कि देर रात वह शराब पीकर आया और पत्नी से काफी देर तक लड़ाई लड़ता रहा, जिसके बाद सुबह तड़के पति ने पत्नी के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वारदात के समय घर में मौजूद बच्चे व अन्य लोग सो रहे थे। इस मौके का फायदा उठाकर पति मौके से फरार हो गया। सुबह जब बच्चों ने मां को खून से लथपथ देखा तो मामले की सूचना गांव वालों को दी, जिसके बाद गांव वालों ने आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी जांच प्रारंभ की तथा मृतका के पिता की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश प्रारंभ कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि पुलिस के द्वारा टीमें गठित कर दी गई हैं और अतिशीघ्र आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सरागति टाइम्स। आज दिनांक 27 जुलाई 2024 को जनपद सीतापुर के थाना रेवसा पुलिस को प्रातः करीब 9 बजे यह सूचना मिली कि ग्राम गुड़ाडुआ के रहने वाली एक महिला, जिनकी उम्र करीब 40-45 वर्ष है, कि उसके पति ने हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस उच्चाधिकारीगण मौके पर आए, साथ ही फील्ड यूनिट को भी मौके पर बुलवाया गया है। प्रकरण के बारे में जानकारी करने पर यह मालूम हुआ कि इस महिला का अपने पति के साथ लगातार विवाद रहता है। इसका पति आपराधिक प्रवृत्ति का है, जो पूर्व में भी अवैध शराब बनाने के आरोप में 2-3 बार जेल जा चुका है। और ये जानकारी मिली कि बीती रात्रि में इसके पति ने धारदार हथियार से और शार्प वेपन से इसके सर पे चोट मार करके इसकी हत्या कर दी है। मृतका के पिता के द्वारा दी गई तहरीर पे अपराध पंजीकृत किया जा रहा है। सब को पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, सभी अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।